जोहार। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। हाँ, रणभेरी। इस बार का चुनाव झारखंड एवं झारखंडियत को बचाने का रण है। एक तरफ जहां धन बल के ताकत पर जीतने का सपना लिए लोग हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड के लोगों के अधिकार एवं सम्मान के लिए लगातार काम कर रहे हम लोग। झारखंड ही वह राज्य है जहाँ पिछली बार भी इनके विजय रथ को आप सभी ने रोका था। विडंबना देखिए, चुनाव की घोषणा भी महाराष्ट्र को ध्यान में रखकर किया गया है। क्या झारखंड के लोगों का, झारखंड का इनकी नज़र में कोई वजूद है या नहीं? आखिर किसी चुनी हुई सरकार को समय से पहले ही चुनाव में जाने के लिए बाध्य करना कहां तक उचित है? खैर, ये लोग तो अबुआ सरकार के गठन के तुरंत बाद ही इसे गिराने में लग गए थे। आप सबों ने हेमंत जी को जो ताकत दी है उसके बल पर वे लगातार इनसे लड़े। वे लड़े पिछड़ों के आरक्षण के लिए, वे लड़े सरना धर्म कोड के लिए, वे लड़े झारखंड के 1,36,000 करोड़ के लिए, वे लड़े गरीबों के आवास के लिए लड़े, वे लड़े वृद्ध विधवा दिव्यांग के पेंशन के लिए, वे लड़े अनुबंध कर्मियों के उचित मानदेय के लिए, वे लड़े सरकारी कर्मियों के पेंशन के लिए, वे लड़े महिलाओं के शिशु देखभाल अवकाश के लिए। हेमंत जी के नेतृत्व में राज्य भर के सभी वर्गों के लिए काम किया हुआ है। आज सर्वजन हेमंत जी के कार्यों से खुश हैं। झारखंड झुकेगा नहीं आज सिर्फ नारा नहीं, बल्कि हेमंत जी के साथ साथ पूरे झारखंड के लिए संकल्प वाक्य है। झारखंड की सभी बेटी बहन माँ के सम्मान एवं अधिकार के लिए हेमंत जी ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है वह देश भर में चर्चा का विषय है। सरकार सेवा एवं सम्मान के लगभग 5 वर्ष पूरा करने के बाद फिर से हम लोग हेमंत जी के नेतृत्व में आपसे आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, जिससे कि संघर्ष एवं सेवा की यह यात्रा आगे बढ़ती चले। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे उम्मीदवारों को आगामी चुनाव में आपका भरपूर समर्थन मिलेगा एवं हेमंत जी की ज़्यादा मजबूती से सरकार गठन करेंगे। जय झारखंड।